इंडिया का सवाल शुरू करें। इस वक्त आ रही है बड़ी खबर यूपी की सियासत से। बीजेपी चुनाव समिति की बैठक जारी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बैठक में मौजूद। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह कर रहे हैं अध्यक्षता। यूपी को दोनों डिप्टी सीएम या यूपी के दोनों डिप्टी सीएम भी बैठक में है मौजूद। बैठक में पहले चरण के उम्मीदवारों के नाम पर हो रही है चर्चा। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश की 403 सीटों के लिए बीजेपी का मंथन की आखिर किससे अपना उम्मीदवार बनाया जाए, सूची में कौन होगा जो बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ेगा। इस वक्त की बड़ी खबर यूपी बीजेपी के अध्यक्ष मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और संघ के कुछ पदाधिकारी इस बैठक में शामिल। इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर बैठक की वो तस्वीरें जिसमें यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केशव प्रसाद मौर्य, आपके टीवी स्क्रीन पर स्वतंत्र देव सिंह जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, संघ के पदाधिकारी जी हां प्रांत प्रचारक समेत संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत कई और बड़े पदाधिकारी जो कौन होंगे बीजेपी के उम्मीदवार और नामों को लेकर चर्चा कर रहे हैं। इस पर ताजा अपडेट और आखिर अंदर जी हां अंदर की खबर के साथ हमारे अपने संवाददाता नीरज मिश्रा हमारे साथ हैं। नीरज, अंदर की खबर क्या है, इस बैठक में क्या होने वाला है और कितने नामों पर माथापच्ची? जी देखिए, अभी इस समय अगर हम बात करें तो इस समय बैठक चल रही है और बैठक में कई तरह के मुद्दे जो इस समय चर्चा का विषय हैं उन पर चर्चा की जा रही है। जिस तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में पहले चरण में चुनाव होने हैं, वहां पर जो जाटों का समीकरण है, जो गुजर्स का समीकरण है और इसके अलावा जो मुस्लिम समीकरण है, इन तमाम चीज़ों को साधने की कोशिश की जा रही है कि किस तरह जो किसानों की नाराजगी है पश्चिम उत्तर प्रदेश में उसको किस तरह से किया जाए। तो एक बड़ा मंथन किया जा रहा है और ख़ासतौर पर प्रत्याशियों के चयन को लेकर जो सबसे बड़ी बैठक है वो आज हो रही है और आज डिसाइड हो जाएगा कि पहले चरण में जो प्रत्याशी हैं वो कौन कौन होंगे, किन प्रत्याशियों से नाराजगी है। तमाम फीडबैक अब तैयार हो चुका है और ये बैठक अभी लगातार हालांकि चल रही है, लेकिन आज ये बात फाइनल हो जाएगा कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किन चेहरों पर चुनाव लड़ेगी। ये थोड़ी देर में अब ये साफ हो जाएगा, अभी 2 से 3 घंटे बाद ये बैठक संपन्न हो जाएगी और उसके बाद ये सूची एक आएगी जिसमें रहेगा कि कौन कौन प्रत्याशियों के टिकट कटे हैं, किन प्रत्याशियों को निराशा हाथ लगी है और कौन से प्रत्याशियों के हाथ में बीजेपी का टिकट लगा है। जी नीरज, इसके अलावा मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आखिर इस बैठक में जी हाँ तस्वीरों में योगी आदित्यनाथ, स्वतंत्र देव सिंह, केशव प्रसाद मौर्य ये तो दिखाई दे रहे हैं, आपके पास क्या जानकारी है और कौन बैठक में शामिल है? देखिए, इस बैठक में सुनील बंसल शामिल हैं, इस बैठक में राजवीर सिंह शामिल हैं, इस बैठक में राधा मोहन सिंह शामिल हैं और उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के जो कैबिनेट मंत्री हैं बृजेश पाठक भी इसमें शामिल हैं और इसके अलावा और भी तमाम चेहरे जो राजनीतिक तौर पर काफ़ी मजबूत थे उत्तर प्रदेश में ये पूरे 5 साल, वो सभी यहाँ पर मौजूद हैं। कुल 24 लोगों की ये टीम है और 24 लोग इस बैठक में इस समय मौजूद हैं और ख़ासतौर पर पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर जो रणनीति है वो यहां पर बनाई जा रही है कि आखिर किन प्रत्याशियों पर भरोसा किया जाए। यानी कि आज की बैठक वो बीजेपी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबसे मुश्किल बीजेपी को ये लग रहा है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से उसको मिलने वाली है, तो लिहाजा पश्चिम उत्तर प्रदेश को लेकर आज बड़ी बैठक है। नीरज, इस वक्त आ रही है एक और बड़ी खबर।